हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस एस क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तो जैसा कि ये वाला स्टैटिक जीके का इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रहा था जहां पर मैं आपको 2017 से लेकर 2020 तक में जितने भी एस एस के एग्जाम हुए हैं उसमें जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में वो सब यहाँ पर मैं आपको करवा रहा था ठीक है तो अब तक टोटल फाइव हंड्रेड हो चुके थे टोटल टेन पार्ट्स में ठीक है हर एक पार्ट में फिफ्टी क्वेश्चन था लेकिन अब यहाँ से आपका जो है फिफ्टी क्वेश्चन की जगह पे हंड्रेड क्वेश्चन रहेगा हर एक पार्ट में ठीक है टोटल फिफ्टीन पार्ट में जो है इसको कंप्लीट करवा देना है तो दस पार्ट में हो चुके हैं आपके फाइव हंड्रेड अब जो है टोटल फाइव जो यहाँ पर पार्ट आएंगे इसमें 500 हंड्रेड क्वेश्चन करवा दे करवा दिया जाएगा ठीक है तो पार्ट 11 में आपके फाइव हंड्रेड वन से लेकर 600 हंड्रेड क्वेश्चन रहेगा और ये वाला तो जो इस, इस, आपका सीरीज चल रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन यहां से रहेगा स्टैटिक में रिपीट होता है क्वेश्चन तो आपको इस सीरीज से क्वेश्चन तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट रिपीट होगा ही होगा आपको देखने को मिलेगा और इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी है तो वहां से आप अच्छे से अपना हर एक पार्ट कंप्लीट करके रिवाइज करके ही जाएंगे ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट सीरीज सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आ रहा है मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू मास नंबर और देखिए ये आपका एक तरह से रिवीजन भी है तो इसको रिवीजन की तरह भी लेना है कि कितना क्वेश्चंस आपको पहले से आता था और कितना क्वेश्चन आपको नहीं आता था ठीक है तो पहला क्वेश्चन यहां पर है कि मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू तो मास नंबर हमेशा इक्वल होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रोन यानी कि ऑप्शन नंबर थ्री सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड नंबर ऑफ सॉरी ऑप्शन नंबर फोर सम नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रोन्स जो है यह हमेशा इक्वल होता है तो मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू सम नंबर ऑफ न्यूट्रोन्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है Along विथ राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21 वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के साथ साथ इनमें से कौन कौन शामिल है कौन कौन शामिल हैं क्या होगा यहाँ पर कौन कौन शामिल है राइट टू हेल्थ शामिल है राइट टू फूड शामिल है राइट टू वाटर शामिल है यानी कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट ये होगा आपका आंसर क्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल to टू तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी ओके okay, संवैधानिक मान्यता दी कौन सा वो अमेंडमेंट था ये अमेंडमेंट बहुत बार हो चुका है सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये होगा डमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नेशन टू म्यूनिसिपालीज तो सेवेंटी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी तो निम्नलिखित में से कौन किडनी में रक्त से निकला गया अपशिष्ट पदार्थ नहीं है तो वो कौन सा पदार्थ है जो वेस्ट मटेरियल नहीं है राइट right आंसर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड ओके तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटेरियल रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड तो यहां पर राइट right आंसर क्या होगा द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिकूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ओके ऑस्मोसिस कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होता है एनडीसी का यह होता है सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन राइट आंसर होगा नेक्स्ट हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो किसने जो है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की नींव रखी फाउंडेड राइट आंसर क्या होगा धर्मपाल धर्मपाल इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज़ टू राइट पोएट्री विद द नेम ऑफ ओवेन मेरेडिथ ओके तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने ओवेन मैरिडित के नाम से कविता लिखी थी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है राइट right आंसर क्या होगा लॉर्ड लेटोन जो है यहां पर राइट right आंसर है नेक्स्ट द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नगर प्लेट्यू इज छोटा नागपुर द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू इज राइट आंसर क्या होगा पारसनाथ यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट बेगम अख्तर इज एसोसिएटेड टू विच आर्ट फॉर्म बेगम अख्तर इज एसोसिएटेड टू विच आर्ट फॉर्म कौन से आर्ट फॉर्म से एसोसिएटेड है राइट right आंसर क्या होगा म्यूजिक से ठीक है म्यूजिक इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ नेपाल नेपाल का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है राइट right आंसर क्या होगा काठमांडू काठमांडू नेक्स्ट क्वेश्चन द पार्लियामेंट शुड मिट एट लिस्ट तो भारत की संसद को कम से कम डैश को पूरा करना चाहिए तो क्या होगा ट्वाइस अ ईयर दो बार तो होना ही है होना ट्वाइस अ ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है एलिमेंट्री कैनल का राइट right आंसर क्या होगा स्मॉल ओके स्मॉल नेक्स्ट सेस्मिक वेव आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द तो सेस्मिक वेव को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं सेस्मोग्राफ ओके नेक्स्ट प्लान एडॉप्टेड इंडिकेटिव प्लानिंग इन इंडिया तो किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में संकेतक योजना को अपनाया ठीक है इंडिकेटिव प्लानिंग इन इंडिया राइट आंसर क्या होगा एट्थ ठीक है एथ फाइव ईयर प्लान में यह चीज हुआ था नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैस्ट तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैस्ट नहीं है देखिए मुंडा विद्रोह ये जो है 1899 एकदम सही है तो ये भी याद कर लीजिए डेट हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि मुंडा रेबेलियन ये कब हुआ था तो 1899 आपका जवाब होना चाहिए नेक्स्ट है वेलोर म्यूटिनी ये 1806 सही है संथाल विद्रोह ये 1855 ये भी सही है लेकिन चावर रिबेलियन ये 1871 की जगह 18 सॉरी 1771 होगा ठीक है रिवेलियन ये 1771 में हुआ था नेक्स्ट नंदी हिल कहां पे लोकेटेड है वेयर इज द नंदी हिल लोकेटेड राइट आंसर क्या होगा कर्नाटक कर्नाटक होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भूटानस नेशनल लैंग्वेज इज नोन एज भूटान के नेशनल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं भूटानस का नेशनल लैंग्वेज क्या है राइट right आंसर क्या होगा झोंखा यहां पर आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एक तत्व के बराबर वजन और वैधता का गुनन डैश के बराबर है किसके बराबर है तो एटॉमिक वेट के बराबर है नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम तो आपने सुना ही होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का चलिए यहां पे आंसर बताइए क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेज इन टू जिप्सम ऑन मिक्सिंग विथ वाटर और इज यूज फॉर डेकोरेशन समझ गए नेक्स्ट क्या है द टर्म स्मार्ट मनी ब्रॉडली रेफर्स टू स्मार्ट मनी ब्रॉडली रेफर्स टू इंटरनेट बैंकिंग होता है ठीक है इंटरनेट बैंकिंग नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाई इकोनॉमिक सर्वे जो होता है इसको कौन सा डिपार्टमेंट पब्लिश करता है राइट right आंसर क्या होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका द फेमस कोजिजुरा केस ऑफ बंगाल हैपेंड इन रीजन तो फेमस कोसीजुरा केस बंगाल ये कब हुआ था किसके रीजन में किसके टाइम पे तो वैर हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था ठीक है वैर हेस्टिंग इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज रिलेटेड टू द ठीक है तीन कथिया सिस्टम ओके okay, तीन कथिया सिस्टम तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन तीन काथिया प्रणाली से संबंधित है यह संबंधित है कौन सा तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह यहां राइट आंसर होगा नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज सहयाद्री कौन सा फॉलोइंग रेंज है इसमें से जिसको सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है वेस्टर्न घाट यहां राइट आंसर होगा वेस्टर्न घाट नेक्स्ट गोल्डन लैंड इज अपुलर सॉब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री राइट आंसर क्या होगा म्यांमार नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजट एज द डैश तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द बजट एज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट तो भारतीय संविधान ये रेफर करता है कि जो बजट है ये एनुअल मनी स्टेटमेंट होगा पूरे देश का नेक्स्ट सी कैन बी डिक्लेय ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एग्रेशन और यह कौन सा आर्टिकल है राइट right आंसर क्या होगा आर्टिकल फिफ्टी टू होगा थ्री फिफ्टी टू थ्री फिफ्टी टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट विजिबल एंड इन विजिबल आइटम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर द पार्ट ऑफ डैश बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पर राइट right आंसर है बैलेंस ऑफ पेमेंट नेक्स्ट विच फाइव ईयर प्लान वॉज अ फेल्यूर ड्यू टू इंडिया चाइना वार फॉलोड बाई इंडो पाकिस्तान तो भारत पाकिस्तान के बाद भारत चीन युद्ध के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही तो यह था थर्ड फाइव ईयर प्लान ठीक है नेक्स्ट वज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी राइट आंसर क्या होगा गोपाला नेक्स्ट विच इंडियन स्टेट टच इज द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम स्टेट सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सा स्टेट टच करता है राइट right आंसर क्या होगा उत्तर प्रदेश टोटल नाइन बॉर्डर नेक्स्ट इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ चाइना ठीक है तो जनसंख्या के अगर हम बात करें जनसंख्या के हिसाब से लार्जेस्ट सिटी चाइना का कौन सा है वो है शंघाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लाइम वाटर बिकम्स वाइट ड्यू टू विच गैस तो लाइम वाटर वाइट हो जाता है किस गैस के कारण तो सीओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू बी आर अंबेडकर हु शैल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो डॉक्टर वी आर बी आर अम्बेदकर के अनुसार भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार अधिकारी कौन होगा सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एकदम नया क्वेश्चन है याद ही कर लेना है आपको कि हु शैल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट च पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ इलेक्शन तो कौन सा पार्ट है भारतीय संविधान का जो डील करता है इलेक्शन से राइट आंसर क्या होगा पार्ट फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड ठीक है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है विंड के स्पीड को उसको हम क्या कहते हैं उसको कहते हैं एनिमोमीटर ओके okay. नेक्स्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ठीक है तो जो रेट ग्रोथ का जो रेट होता है इकोनॉमी में उसको मेजर्ड इज मेजर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ नेशनल इनकम नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव ईयर प्लान कैन बी स्ट्रेटेजिकली एसोसिएटेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन रिवॉल्यूशन से कौन सा फाइव ईयर प्लान रिलेटेड है राइट right आंसर क्या होगा फोर्थ फाइव ईयर प्लान बोजिल पास इज एसोचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो बोर्जिल पास ये किस स्टेट में है राइट right आंसर क्या होगा जम्मू एंड कश्मीर नेक्स्ट कॉटिलिया वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ तो कौटेलिया ये प्राइम मिनिस्टर थे किसके चंद्रगुप्त मौर्य के नेक्स्ट द ओलस्ट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इन श्रीलंका इज नोन एज ओल्डेज फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन होता है श्रीलंका का इज नोन एज छेना नेक्स्ट आर्टिकल ट्वेल्व टू आर्टिकल थर्टी फाइव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील्स विद फंडामेंटल राइट्स गिवन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आर्टिकल 12 से जो पंद्रह है ठीक है ये डील करता है फंडामेंटल राइट ये किस पार्ट में है राइट right आंसर क्या होगा पार्ट थर्ड में ओके नेक्स्ट डैश इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल ओके राइट आंसर क्या होगा कार्बन मोनो ऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये हम किसको कहते हैं यह कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन बॉर्डलॉग को नेक्स्ट द शाका एरा वॉज फाउंडेड इन द इ शाका एरा वॉज फाउंडेड इन द ईयर सेवेंटी एट ए डी नेक्स्ट विच रूलर ऑफ विजयनगर अलाउड द पोर्तुगीज टू बिल्ड अ चर्च इन हिज एम्पायर तो वो कौन से विजयनगर रूलर थे विजयनगर के जिन्होंने पोर्तुगीज को कहा था आदेश दिया था कि वो चर्च बना सकते हैं उनके अम्पायर में ये थे वेंकट टू वेंकट टू इज द राइट आंसर नेक्स्ट वॉट इज द जेनरल फार्मूला ऑफ एल्किज ओके इसका जनरल फार्मूला क्या होता है देखिए इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनेगा आपका केमिकल फॉर्मूला वाला पे राइट right आंसर है सी एन एच टू एन ठीक है सी एन एच टू एन नेक्स्ट ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द एच डी आर ऑफ द ईयर तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द एच डी आर ऑफ द ईयर 1997 सेवन ओके नाइनटीन नाइन्टी सेवन में किया गया था नेक्स्ट विच फाइव ईयर प्लान वाज सस्पेंडेड वन ईयर बिफोर द टाइम शेड्यूल ओके तो वो कौन सा फाइव ईयर प्लान था जिसको सस्पेंड कर दिया गया था निलंबित कर दिया गया था कंप्लीट होने से पहले अपने टाइम शेड्यूल को कंप्लीट होने से पहले ये होगा फिफ्थ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान नेक्स्ट पीपली घाट पास ये लोकेटेड कहाँ है इन विच माउंटेन एरिया पीपली घाट राइट right आंसर क्या होगा अरावली अरावली इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट डिड राइज हाइएस्ट इन द सल्तनेट पीरियड तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट डिड राइज हाइएस्ट इन द सल्तनेट पीरियड राइट आंसर क्या होगा आर्किटेक्चर को खूब बढ़ावा दिया गया था सल्तनेट पीरियड के टाइम पे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वेयर वेयर इज द भातखंडे म्यूजिक कॉलेज लोकेटेड ओके भातखंडे संगीत महाविश् महाविद्यालय कहाँ स्थित है यह है लखनऊ में नेक्स्ट वट इज द मास नंबर ऑफ ड्योटेरियम कितना है मास नंबर इसका दो है नेक्स्ट इथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ विच गैस जब इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं हम सोडियम के साथ तो कौन सा गैस का विकास होता है उसका नाम क्या है हाइड्रोजन ओके हाइड्रोजन इज द राइट आंसर नेक्स्ट सेवेंटी थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नेशन टू पंचायत बाय एडिंग बाय एडिंग पार्ट नाइन ओके नेक्स्ट बायर्स मार्केट डिनोट द प्लेस वेयर तो बायर्स का मार्केट कैसा होता है द सप्लाई एक्सीड द डिमांड्स ओके द सप्लाई एक्सीड द डिमांड्स द स्टेट विथ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया इज वो कौन सा स्टेट है, है जहां पे सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है राइट right आंसर क्या होगा कर्नाटक नेक्स्ट हूज ट्रिब्यूटरी इज तावा रिवर तावा नदी किसकी सहायक नदी है ये है नर्मदा की सहायक नदी विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर स्टार्टेड झरोखा दर्शन तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन शुरू किया और उनका नाम था अकबर पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया अगर हम भारतीय मैप की बात करें तो पाकिस्तान किधर लोकेट है यह है वेस्ट नॉर्थ में ठीक है वेस्ट नॉर्थ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल डैश रेज ऑफ द सन तो ओजोन लेयर का मेन काम क्या होता है ये हमको किस चीज से बचाता है अल्ट्रावायलेट रेज से ठीक है अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिल्स नेमली ब्लैक ब्लू एंड ग्रीन हिल्स आर लोकेटेड इन विच कंट्री ये है यूएसए में नेक्स्ट ओरिजन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवलीके तो ओरिजन ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र कहां पर है उत्तराखंड एंड तिब्बत हो जाएगा राइट आंसर ओके उपनिषद बुक्स आर उपनिषद जो किताब होती है वो क्या है बेसिकली ये फिलोसफी वाली किताबें हैं नेक्स्ट इन विच यर भूटान एडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हा तो भूटान ने कब एडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में 2008 में 2008 नेक्स्ट एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर हमेशा इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ओके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के नेक्स्ट क्वेश्चन जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन शिलालेख फर्स्ट इंस्क्रिप्शन जो उसका था वो किस लैंग्वेज में था ये था संस्कृत में द पोलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को ओके okay? और गोपाल कृष्ण गोखले ही ने 1915 में गांधी जी को वापस लाया भी था नेक्स्ट क्वेश्चन टू वॉल्केनिक आईलैंड लोकेटेड इन द इंडियन टेरेटरी आर तो भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है और उनका नाम क्या है उनका नाम है बैरन एंड नाकोन ओके बैरन एंड नाकोडम नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिर इज द नेम ऑफ विच एंशियन डांस स्टाइल ऑफ इंडिया तो सादिर भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली का नाम है यह है भारतनाट्यम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भारतनाट्यम का नेक्स्ट वेयर इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका कमर्शियल कैपिटल कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो नेक्स्ट जनरली एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन विच यूनिट एटॉमिक रेडियस को हम मेजर्ड करते हैं इन विच यूनिट राइट आंसर क्या होगा एंगस्ट्रॉम जो है यहां पर राइट right आंसर है नेक्स्ट हु अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया तो यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं यह काम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद तो पार्ट सेवेंटीन में क्या है पार्ट 17 रिलेटेड है ऑफिशियल लैंग्वेज से नेक्स्ट रॉबर्ट हुई डिस्कवर्ड सेल्स बाय ऑब्जर्विंग देम इन अ कॉक स्लाइस ओके कॉक स्लाइस यहां होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द करेंसी कन्वर्टेबिलिटी कंसेप्ट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज ओरिजिनेटेड इन ये कहां से ओरिजिनेट हुआ था ब्रिटेन उड एग्रीमेंट में ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हाइएस्ट रिवॉल्टरी मोशन निम्नलिखित में से किस ग्रह में सबसे अधिक रिवॉल्युनरी मोशन है जुपिटर में ठीक है नेक्स्ट विच कंट्री फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद इंडिया इन द फार ईस्ट तो कौन सा देश का जो है सब कौन सा देश पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है राइट right आंसर क्या होगा म्यांमार ओके म्यांमार इज द राइट आंसर नेक्स्ट संत कबीर वाज द डिसिपल ऑफ होम संत कबीर किसके शिष्य थे संत कबीर जो हैं रामानंद के शिष्य थे रामानंद के नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेशनल फ्लैग हैज अ ड्रैगन ऑन इट तो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में ड्रैगन है ड्रैगन है भूटान के राष्ट्रीय ध्वज में नेक्स्ट वॉट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ म्यूनिसिपाली ओके तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए यह होनी चाहिए 21 वर्ष 21 वन ईयर्स इज द राइट आंसर। हु अमोंग द फॉलोइंग इज अ रेस्पेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स तो निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है यह है हेमोग्लोबिन नेक्स्ट ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द आद्रता डैश का एक उपाय है मॉइस्चर ऑफ एयर का नेक्स्ट हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट यूनियन बजट इंडिपेंडेंट इंडिया में किसने प्रेजेंट किया था राइट right आंसर क्या होगा आरके शनमुखम छेटी यहां पर करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इन 1852 हु पब्लिश्ड द न्यूज सत्य प्रकाश इन गुजराती तो अठारह में गुजराती में सत्य प्रकाश समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था राइट right आंसर क्या होगा कर संदास मूल जी ने किया था ओके नेक्स्ट द रेड प्लानिट इज रेड प्लानिट किसको कहते हैं ये मार्स को कहते हैं नेक्स्ट विच कंट्री हैज द स्मॉलेस्ट टेरिटरी टेरिटोरियल बॉर्डर विथ इंडिया राइट आंसर क्या होगा भूटान वेयर इज द समाधि ऑफ गुरु गोविंद सिंह लोकेटेड गुरु गोविंद सिंह का जो समाधि है ये कहां पे लोकेटेड है राइट right आंसर क्या होगा नांदेद में नेक्स्ट ऑफिशियल करेंसी ऑफ नेपाल इज नेपाल का ऑफिशियल करेंसी क्या है नेपाल का ऑफिशियल करेंसी नेपाली इज है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एसिड रेन एसिड रेन का मुख्य कारण मुख्य कारण है एसओ टू और एनओ टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट हाउ मेनी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स तो भारत भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कितने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर सकते हैं राइट आंसर क्या होगा वन नेक्स्ट व्हाट इज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर तो रेशियो क्या है मासिस ऑफ हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इन वाटर में पानी में वन इज टू एट ओके नेक्स्ट हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू रंजीत सिंह तो किसने रंजीत सिंह को टाइटल दिया था राजा का राइट आंसर क्या होगा जमन शाह जो है यहां राइट right आंसर है नेक्स्ट हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे राइट आंसर विलियम बेंटिक यहां पर राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड कौन सा है गोडविन ऑस्टेन जो है यह है नेक्स्ट क्वेश्चन यक्षगान फोल्क डांस इज एसोसिएटेड टू विच इंडियन स्टेट यक्षगान किस इंडियन स्टेट का फोल्क डांस है कर्नाटक यहां राइट आंसर होगा नेक्स्ट पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया पाकिस्तान ज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया साउदर्न एशिया होगा वॉट इज सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है वॉशिंग सोडा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का नेक्स्ट है और वो है हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ लोकसभा ठीक है तो कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ लोकसभा ये काम है स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया का ठीक है स्पीकर ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया का ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरीके से आपका पार्ट 11 में 600 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 400 क्वेश्चन और बचा है फोर पार्ट्स में हो जाएगा तो आपका भर भर के लाइक चाहिए सपोर्ट चाहिए ताकि जो है आप लोगों के लिए वीडियोस बनते रहें ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट